पूरे भारत में पंजाब को खाद्यान्न कटोरा कहा जाता था क्योंकि यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर कृषि होती है, लेकिन इस बार यहाँ आंकड़े बदल गए हैं। बता दें कि इस बार केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों से यह पता चला है कि मध्य प्रदेश ने अनाज उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पंजाब इस बार तेलंगाना से भी पीछे गया है। मध्य प्रदेश ने पिछले एक दशक में 7.6% की मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिससे पंजाब और पश्चिम बंगाल पीछे गए हैं। तेलंगाना की बात करें तो इस बार भारतीय कृषि परिदृश्य में भी तेलंगाना में विकास तेजी से हुआ है। पिछले एक दशक में तेलंगाना अनाज उत्पादन के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख राज्य बन गया है। अनाज उत्पादन में पंजाब का ग्राफ MP और तेलंगाना से भी पिछड़ गया है।